अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ तहरीम एंड आप सब देख रहे हैं तहरीमीट्स यूट्यूब चैनल। आज की रेसिपी बहुत ही स्पेशल है बिकॉज आज हम बना रहे हैं सिंगापुरियन राइस इन माई स्टाइल और ये रेसिपी बहुत ही मज़े की बनती है। रेसिपी इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस इसके कुछ स्टेप्स हैं जिसको फॉलो करना होता है बिकॉज इसमें हर चीज़ सेपरेट बनती है। चावल सेपरेट बनते हैं, चिकन सेपरेट बनता है, नूडल्स सेपरेट बनते हैं, तो इसलिए इसके कुछ स्टेप्स एक्स्ट्रा हैं लेकिन बनता बहुत मज़े का है। सो यू नीड टू वॉच दिस वीडियो। सबसे पहले हमने चावल को भिगो दिया। मैंने 2 कप चावल लिए हैं और इसे मैं 30 मिनट्स के लिए सोक करके रखूँगी। और मैंने सोक करके इसलिए रखा है ताकि जब हम इसे बॉईल करें तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट आए। 30 मिनट्स के बाद हम बॉईल हुए हुए पानी में थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे। मैंने ऐड किया है 2 टेबल स्पून्स, क्योंकि जब चावल बॉईल होते हैं तो उसके अंदर जो सॉल्ट का फ्लेवर जाता है वो अलग से ऐड करने में नहीं जाता। 2 कप चावल है, 1 कप में 1 टेबल स्पून सॉल्ट जाता है। आप जितने कप भी चावल ले रहे हों तो आप उस हिसाब से सॉल्ट ऐड कर सकते हैं। अपनी रेसिपी को हाफ भी कर सकते हैं और डबल भी कर सकते हैं। हमने इसे बॉईल करना है, अराउंड 85% टू 90% तक कम्प्लीटली कुक कर लेना है। फुल बॉईल नहीं करना है और बहुत ही अंडर डन भी नहीं करना है, क्योंकि हम बॉईल करने के बाद इसको एक दफ़ा हल्का सा फ्राई करेंगे गार्लिक वगैरह में ताकि अच्छा सा फ्लेवर आ जाए, वरना बॉईल चावल सादे इतने मज़े के नहीं लगते। चावल बॉईल हो जाएंगे, इसे छान कर हम साइड में रख लेंगे। अगला स्टेप होगा हमारा नूडल्स या स्पेगेटी को बॉईल करना। आप स्पेगेटी ले सकते हैं, नूडल्स ले सकते हैं, जो आपको पसंद हो। इंस्टेंट नूडल्स भी आप ले सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। मैंने स्पेगेटी ली है, पानी बॉईल हो रहा था उस पर मैंने थोड़ा सा नमक डाला है और नमक डालकर मैंने उसके अंदर स्पेगेटी ऐड कर दी है। अंदाजे से ही ऐड की है, आप अपनी लाइकिंग के हिसाब से ऐड कर सकते हैं, कम ऐड करना चाहते हैं या ज़्यादा ऐड करना चाहते हैं, डिपेंड करता है कि आपको सिंगापुरियन राइस के ऊपर कितनी स्पेगेटी पसंद है या नूडल्स पसंद हैं। उसके बाद आप छान लें और इसको एक दफ़ा अच्छी तरह से ठंडे पानी से वॉश कर लें। इससे क्या होगा कि स्पेगेटी में कोई एक्स्ट्रा स्टार्च है वो निकल जाएगा और स्पेगेटी चिपकेगी नहीं और खिली खिली रहेगी, जैसा कि आप देख भी सकते हैं। अब हम आते हैं ग्रेवी की तरफ, जो कि हम चिकन की प्रिपेयर करेंगे। एक कढ़ाई में मैंने ऑयल लिया है और उसके अंदर चॉप्ड गार्लिक ऐड किया है। इसको मैं हल्का सा सॉटे करूँगी फॉर 45 सेकेंड्स और उसके बाद मैं इसके अंदर चिकन ऐड कर दूँगी। चिकन बोनलेस है और चिकन को मैंने क्यूब्स में कट किया हुआ है और हम इसको अब फ्राई करेंगे। तब तक हमने इसको फ्राई करना है जब तक ये वाइट कलर में चेंज नहीं हो जाती। भूनते रहेंगे मुसलसल और इसी दौरान ये अच्छी तरह से पक भी जाएगी और गल भी जाएगी। तो आपने कंटिन्यूसली इसको मिक्स करते रहना है और बिल्कुल वाइट कलर में चेंज कर देना है, ज़रा सा भी पिंक पिंक सा ना रहे। जैसे ही वाइट कलर में चेंज होगा तो हम इसके अंदर फिर अपने बाकी मसाले और सॉसेस वगैरह ऐड करेंगे। और यहाँ पर आप देखें कि मैं इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर कुक कर रही हूँ और इसी के दौरान गल जाएगा। हमें और जो है इसके अंदर एक्स्ट्रा पानी वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चिकन वाइट हो गया तो नमक ऐड कर दिया, रेड चिली पाउडर ऐड कर दिया। ये बहुत ही मुनासिब मसाले हैं, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन ब्लैक पेपर पाउडर भी चला गया और चिली फ्लेक्स भी चली गई। उसके बाद आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है, भूनना है, ताकि मसालों का जो कच्चापन है ना वो ज़रा बराबर भी जो है वो महसूस ना हो। 2 मिनट के लिए इसको अच्छी तरह से भूनें और फिर इसके अंदर ऐड करेंगे सिरका। ये जो नॉर्मल वाला विनेगर है वही वाला विनेगर है जो बॉटल में आता है वाइट वाला। सोया सॉस है और चिली सॉस है। अगर आपके पास चिली सॉस नहीं है तो आप हॉट सॉस ऐड कर सकते हैं, सिराशा सॉस ऐड कर सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। उसके बाद हम इसको अच्छी तरह से भूनेंगे और उसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे 1 कप केचप। और इसका क्लिप मुझसे मिस हो गया जिसमें मैं डाल रही थी, तो केचप ऐड करा है आपने और आप इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। केचप ऐड करने से होगा कि आपकी जो ग्रेवी है वो काफ़ी ज़्यादा थिक हो जाएगी और मज़े की लगने लगेगी। और केचप ऐड करने के बाद मैं थोड़ा सा पानी इसके अंदर ऐड करूँगी, अराउंड 1/2 कप, ताकि अच्छी तरह से एक ग्रेवी बन जाए। और इसको थोड़ा सा कुक करूँगी 5 मिनट्स के लिए। हमारी चिकन की ग्रेवी डन है। इसको जितना जूसी और लिक्विडी रखेंगे ना तो उतना ही फाइनल आपका सिंगापुरियन राइस भी जूसी बनेगा। अब हम एक कढ़ाई में दोबारा से ऑयल लेंगे, थोड़ा सा चॉप्ड गार्लिक ऐड करेंगे, गार्लिक को सॉटे करेंगे बिल्कुल वैसे ही 45 सेकेंड्स के लिए। और जो हमारे बॉयल हुए हुए राइस हैं वो सारी इसके अंदर ऐड कर देंगे और उसके ऊपर थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे और फिर हम इसको मिक्स करेंगे। अब क्या है कि जो सादे बॉयल चावल हैं आप वैसे भी सर्व कर सकते हो, लेकिन मैंने इसको हल्का सा गार्लिक ही फ्लेवर भी दे दिया और ब्लैक पेपर का भी फ्लेवर दे दिया है। सॉल्ट मैंने दोबारा ऐड नहीं किया है क्योंकि बॉयल करते हुए हमने ऐड किया था तो चावल में सॉल्ट है। बस मैंने हल्का सा फ्लेवर देने के लिए, फ्लेवर को इन्हेंस करने के लिए ये स्टेप किया है। अगर आप नहीं करना चाहते तो आप स्किप कर सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू, कोई मसले की बात नहीं है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब चावल जो है
अच्छी तरह से खिले खिले हैं, आप देख सकते हैं। और जो रिमेनिंग कसर थी बॉईल करते हुए जो रह गई थी 10%, वो इसमें पूरी हो जाएगी और हमारे चावल A1 किस्म के पक जाएंगे। उसके बाद हमने नूडल्स को बनाना है। अब हम क्या कर रहे हैं, एक फ्राइंग पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल लिया, 1/4 टीस्पून जो है गार्लिक लिया, चॉप्ड गार्लिक, आप ज़्यादा कर सकते हैं क्वांटिटी। और यहाँ पर देखिए मैंने थोड़ा थोड़ा गार्लिक हर चीज़ में डाला है, क्योंकि सारे फ्लेवर्स जब कंबाइन होंगे तभी एक अच्छा फ्लेवर डेवलप होगा। गार्लिक सॉटे हो गया, वेजिटेबल्स ऐड करेंगे, अपनी पसंद की डाल सकते हैं आप। मैंने शिमला मिर्च ऐड की है, हरा प्याज ऐड किया है, बंद गोभी ऐड की है, आप गाजर ऐड कर सकते हैं, मटर ऐड कर सकते हैं, जो आपको पसंद है, टोटली अप टू यू। उसके बाद हमने इसको अच्छी तरह से फ्राई करना है, लेकिन उससे पहले हम थोड़े से मसाले और सॉसेज ऐड करेंगे। मसालों में थोड़ा सा नमक चुटकी भर और 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टेबलस्पून चिली सॉस और 1 टेबलस्पून सोया सॉस, ताकि नूडल्स में भी थोड़ा अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। इसको हम मिक्स करेंगे ताकि वेजिटेबल्स हल्की सी कुक हो जाएँ, सॉटे हो जाएँ तकरीबन 45 सेकेंड्स के लिए और हाई फ्लेम पर। फिर बॉयल हुए हुए स्पेगेटी या नूडल्स आप इसके अंदर ऐड कर दें और इसको हाई फ्लेम पर टॉस कर लें, ताकि जितने भी सॉसेस के और ब्लैक पेपर और सॉल्ट का फ्लेवर है वो सारा नूडल्स में आ जाए। फिर जब हम सिंगापुरियन राइस को असेंबल करेंगे ना, तो ये बहुत मज़े का फ्लेवर देगा। यहाँ पर हमारे नूडल्स बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब हमारा जो फाइनल स्टेप है वो हमारा है सॉस प्रिपेयर करना। जो सॉस होती है वो मायोनीज पेस्ट होती है, और इसमें हम 3 चीज़ें ऐड करते हैं। मैंने 1 कप मेयोनीज लिया है, और इसी सॉस से सारा फ्लेवर आता है सिंगापुरियन राइस में, इससे और ग्रेवी से, ठीक है। उसके बाद मैं इसके अंदर 1/2 कप केचप ऐड कर रही हूँ। केचप इसका मेन इंग्रेडिएंट है, केचप डालना मस्ट है, आप इसको स्किप नहीं कर सकते। आप चिली गार्लिक सॉस से इसको ज़रूर रिप्लेस कर सकते हैं। और थोड़ा सा चिली सॉस ऐड कर रही हूँ फ्लेवर को इन्हेंस करने के लिए। फिर हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और इतना मिक्स करना है कि बिल्कुल अच्छी तरह से कंबाइन हो जाए। ज़रा सा भी ऐसा ना हो कि केचप अलग नज़र आ रहा है, मेयो अलग नज़र आ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक विस्क ले लें और उसकी मदद से जो है आप स्मूथली इसको मिक्स करें, और बिल्कुल इस तरह से हो जाएगा, थिक सा पेस्ट बन जाएगा, और ये बिल्कुल सॉस हमारी रेडी है। इसको रेडी करने के बाद हम इसे सर्व करने पे लेकर जाएंगे। एक बड़ी सी मैंने डिश ली है, क्योंकि मैंने अपनी फैमिली के लिए बनाया है, तो ये आराम से 6 लोगों ने खाया, 5 से 6 लोगों की ये सर्विंग है। मेरे घर में 5 लोग हैं और हम सब ने खाया है, और उसके बाद भी हमने थोड़ा सा सेव कर लिया फ्रिज में, जब हम बाद में खाएंगे। तो इजीली मैं आपको कह सकती हूँ कि 5 to 6 persons की ये सर्विंग है इजीली। उसके बाद हमने एक डिश में पहले जो चावलों की लेयर लगा दी, उसके बाद हमने सॉस की लेयर लगाई, जो मेयो बेस्ड सॉस हमने बनाई है। थोड़ी ज़्यादा डालें, कंजूसी मत करें। सॉस को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लें, एक आप पहले नीचे लेयर लगाएंगे और एक हमने सबसे टॉप पे लेयर लगाएंगे। उसके बाद जो हमने चिकन की ग्रेवी बनाई है वो सारी ऐड कर दें। अब अगर आप ग्रेवी देखें तो वो थोड़ी जूसी है, तो चावलों में जब जाकर हम इसे खाएंगे तो वो चावल काफ़ी जूसी लगेंगे, ड्राई नहीं लगेंगे। उसके बाद उसके टॉप पर हमने अपने नूडल्स डाल देने हैं, जो कि हमने प्रिपेयर करके रखे हुए हैं। आप देखेंगे नूडल्स बिल्कुल खिले खिले और बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। इस तरह से आप उसको फैला के रख लें, और जितने आप डालना चाहते हैं आप डालें, इट्स टोटली अप टू यू, जितने आपको पसंद है, ठीक है। तो मैंने नूडल्स की लेयर कर दी है, और लास्ट लेयर जो मैं करूँगी वो करूँगी मेयो बेस्ड सॉस की, और उसको मैं ड्रिजल करूँगी, ठीक है, ताकि अच्छा लगे प्रेजेंटेशन वाइज भी। उसको ड्रिजल करेंगे, आप पाइपिंग बैग में या किसी बॉटल में डाल के भी ड्रिजल कर सकते हैं। मेरे पास पाइपिंग बैग था नहीं, तो आप बॉटल में, जिसमें जैसे कोई बॉटल होती है जिसमें आप स्क्वीज़ करके ड्रिजल कर सकें, तो वो भी आप कर सकते हैं, स्पून से भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। मैंने स्पैचुला की मदद से ही कर दिया था। अब ये फाइनल रेडी हो चुका है, बस लास्ट स्टेप ये है कि थोड़ा सा कलर कॉम्बिनेशन देने के लिए इसको हम ग्रीन अनियन से, यानी स्प्रिंग अनियन का जो ग्रीन वाला पार्ट होता है उसको चॉप करके इसके ऊपर डालेंगे, और उसी से हम इसको गार्निश करेंगे, ठीक है। तो हमारी डिश बिल्कुल रेडी है, अब इसे निकालते हैं। इसकी फाइनल लुक भी आप चेक करें और ज़रूर ट्राई करिएगा, एंड मुझे कमेंट्स में ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरी सारी वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें, और आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं।